और उस वक्त एक बहुत बड़ी और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर गोवा से सामने आ रही है, जहां एक मां पर अपने ही 4 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी मां को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बच्चे के शव को टैक्सी में रखकर बेंगलुरु फरार हो रही थी। होटल स्टाफ ने शक होने पर गोवा पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद गोवा पुलिस ने आरोपी मां को बच्चे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला एक कंपनी की सीईओ बताई जा रही है, लेकिन ये बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है, जहां पर एक मां ने अपने ही 2 बच्चों को मार दिया और गोवा में मां पर 4 साल के मासूम की हत्या का आरोप लगा है और उसके बाद उसे रखकर फरार हो रही थी। और जब वो कैब में बैठी तभी जो होटल कर्मी था उसे शक हुआ और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया, अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप। अब सवाल ये है कि कैसे कोई मां इतनी निर्मम हो सकती है कि अपने ही बच्चे की हत्या कर दे, क्योंकि कहा जाता है कि कूद तपूत सुना है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं सुनी है। लेकिन ये जिस तरह से एग्जाम्पल सामने आया है, उदाहरण सामने आया है, ये वाकई इस जो प्रूवोब है उसे चरितार्थ करता है। पुलिस ने आरोपी मां को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बच्चे के शव को टैक्सी में रखकर भागने की कोशिश कर रही थी। आपको बताएं कि अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप इस मां पर है। पुलिस ने आरोपी मां को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बच्चे के शव को टैक्सी में रखकर फरार हो रही थी। होटल स्टाफ ने शक होने पर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां को बच्चे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला की सीईओ बताई जा रही है। आरोपी मां की गिरफ्तारी पर गोवा नॉर्थ के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल स्टाफ की जानकारी पर पुलिस होटल पहुंची और टैक्सी ड्राइवर की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कैसे हुआ ये, क्या पूरी जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो महिला है जिसका नाम सुचिता सेठ बताया जा रहा है, 6 जनवरी को वो बैंगलोर से गोवा आती है और प्लान के तहत अपने बेटे की हत्या के लिए गोवा में एक बड़े होटल में रूम बुक करती है और सबसे पहले अपने 4 साल के बच्चे की हत्या करती है। हत्या करने के बाद बकायदा उसकी बॉडी को एक बैग में डंप करती है और बैग में डंप करने के बाद एक प्राइवेट टैक्सी बुक करती है जो गोवा से बेंगलुरु को जाए। महिला टैक्सी बुक करने के बाद गोवा से निकल भी जाती है, लेकिन होटल जो कर्मचारी है उनको लगता है कि जो महिला थी अपने 4 साल के बच्चे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट उसने बच्चे के साथ नहीं किया था, जिसकी जानकारी होटल कर्मचारी पुलिस को देते हैं। फिर पुलिस जो है वो टैक्सी ड्राइवर को लोकेट करती है, उसका नंबर निकालती है और बहुत ही सूझबूझ से पूरा केस सॉल्व किया गया है, क्योंकि महिला को भनक न लगे कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए गोवा पुलिस ने जो गोवा के लोकल ड्राइवर था उसे कोंकणी भाषा में उसे बताया कि हो सकता है कि वो बच्चे की हत्या कर रही हो और उसकी माँ उसके प्राइम सस्पेक्ट है, और उसे कोंकणी भाषा में बोला कि वो अपनी टैक्सी जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचाए और जिस पुलिस स्टेशन में पहुंचाएगा वहां पर उसकी जानकारी गोवा पुलिस को दे। टैक्सी ड्राइवर ने वही किया जो गोवा पुलिस ने कहा। उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर कर्नाटक के एक लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद वो गोवा के एसपी और गोवा पुलिस को जानकारी देता है। फिर जब गोवा पुलिस कर्नाटक पुलिस को बोलती है कि टैक्सी में कुछ सस्पेक्ट हो सकता है, और उसके बाद कर्नाटक पुलिस टैक्सी को चेक करती है तो टैक्सी के अंदर से एक बैग से 4 साल के मासूम बच्चे की उसमें बॉडी मिलती है। उसके बाद उस लेडी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो एक्यूज लेडी है उसे अब कर्नाटक से गोवा लाया जा रहा है। और कुछ देर पहले ही गोवा के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया जा रहा है कि पति के साथ इनका काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स पिटीशन भी फाइल की गई है और कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो बच्चा है वो पति के साथ रहेगा, जिसकी वजह से जो आरोपी महिला है जिसका नाम सुचिता सेठ बताया जा रहा है वो नाराज थी और किसी भी हालात में अपने 4 साल के बच्चे को अपने पति के साथ रहना नहीं देना चाहती थी, इसी की वजह से उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन विवेक, आश्चर्य तो इस बात का है कि परिस्थितियां कैसी भी रही हूं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। लेकिन आपको आरोपी माँ की गिरफ्तारी पर गोवा नॉर्थ के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि होटल स्टाफ की जानकारी पर पुलिस होटल पहुंची और टैक्सी ड्राइवर की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। When she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which they suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel and they checked and prima facie it looked like blood, and he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also and asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. So Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay.
So she gave an address which was verified by PI Fatora, and when PI Fatora was asked to verify, when PI Fatora went to verify that address was found to be fake. ये बड़ी अजीब सी सनक है कि बच्चा मेरे पास रहेगा नहीं तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी, इस तरह की सोच है ये विवेक। क्या बच्चे के पिता से संपर्क हो पाया है पुलिस का? देखिए, इस पूरे मामले में ये पूरा जो मैटर है वो डिवोर्स मैटर पहले से कोर्ट में चल रहा है। बच्चे के पिता बैंगलोर में रहते हैं और काफी पढ़े लिखी फैमिली, ऐसा नहीं कि ये कोई छोटी मोटी फैमिली हो, काफी पढ़े लिखी फैमिली हो। जो एक्यूज महिला है वो खुद सीईओ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुद का स्टार्टअप चलाती है, और बैंगलोर से उन्होंने पूरा मर्डर का प्लान रचा और बैंगलोर से अपने 4 साल के बच्चे को लेकर घुमाने के बहाने वो गोवा आती है। गोवा के मशहूर कलंगुट बीच के पास एक बड़ा अच्छा होटल है, वहां पे उसे रूम बुक किया जाता है। रूम बुक करने के बाद अपने बच्चे के साथ एक दो दिन रहती हैं, रहने के बाद उस बच्चे की हत्या कर देती हैं। देखिए, इसमें गोवा पुलिस और जो होटल स्टाफ है उसने उसकी सूझबूझ से पूरा केस सुलझा हुआ है। गोवा के जो कलंगुट बीच के पास जो होटल था उनके स्टाफ ने देखा कि जो महिला थी अपने 4 साल के बच्चे के साथ उसमें एंट्री की थी होटल में, लेकिन जब महिला चेकआउट कर रही थी तो बच्चा उसके साथ नहीं था, जिसको लेकर थोड़ा सा डाउट हुआ। और जब रूम को क्लीन करने के लिए उनके स्टाफ वहां गए तो खूब सारे ब्लड स्टेन वहां पे देखे, जिसकी जानकारी तुरंत लोकल पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव होती है, तुरंत रूम में पहुंचती है और पता लगाती है कि जो महिला का एड्रेस था उसका क्या था, और जिस महिला ने टैक्सी बुक कराई है वो टैक्सी का ड्राइवर कौन है। जब तक पुलिस को पता चलता है वो टैक्सी ड्राइवर और आरोपी महिला है वो गोवा का बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटक में देखिए अंकित, इस पूरे मामले में गोवा पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, क्योंकि बॉडी जो है वो गोवा पुलिस जो है वो कर्नाटक से लेकर अभी गोवा पहुंचने वाली है। आरोपी महिला भी साथ में है, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जिस तरीके से होटल रूम के अंदर ब्लड स्टेन मिले हैं तो हो सकता है कि स्टैबिंग की गई हो, धारदार चाकू से बच्चे की हत्या की गई हो, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि बच्चे की हत्या किस वजह से की गई है। ये जो घटना है इसने मां की ममता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। गोवा पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। When she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which they suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel and they checked, and prima facie it looked like blood. And he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also and asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon, so Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay. So she gave an address which was verified by PI Fatora, and when PI Fatora was asked to verify, when PI Fatora went to verify that address was found to be fake.